फ्रेंड्स, मैं मोनिका अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन सेंटर पार्ट टू और स्पिरिचुअलिटी से। और बहुत दिन हो गए हमने वीडियोस काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन पे बनाए नहीं, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा बिजी चल रही थी अपने क्लासेस में, और फिर कुछ जैसा कि मैंने चैनल पे डाला था कुछ हमारे वो भी थे। बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशल ऑन डिमांड है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं स्विचवर्ड रेमेडीज़ के ऊपर कुछ और वीडियोज़ बनाऊँ। तो स्विचवर्ड पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको मनी से रिलेटेड कुछ स्विचवर्ड्स दिए थे, तो आज मैं आपको कुछ और स्विचवर्ड्स दूंगी। सबसे पहले स्विचवर्ड्स होते क्या हैं, ये मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन करा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, आप जाइए वो वीडियो आप देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि स्विचवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कुछ और स्विचवर्ड्स का। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कंसीविंग में, वो लोग अपना चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है, या वो सेकंड चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनका इश्यू आ जाता है। तो क्या आप जानते हैं कई बार हमारी एनर्जीज सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा ब्लॉक्ड होती हैं कि हमें वो चीज़ मिलनी लिखी भी होती है, तब भी वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीव्स होते हैं उनको ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रिंग, BRING, यस ब्रिंग। और ब्रिंग के साथ अगर आप डिवाइन यूज करते हैं तो वो आपके कंसीविंग के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी स्विचवर्ड को पहले यूज करने से पहले आप ये जानिए कि आपका इंटेंशन क्या है, बिकॉज इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत स्पेसिफिक गोल आपके पास रेडी होना चाहिए, आपके माइंड में रेडी होना चाहिए, ताकि जब आप वो स्विचवर्ड यूज कर रहे हैं तो जब भी आप उस स्विचवर्ड को चैंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपके माइंड में वो एक इमेज बनना चाहिए। अगर आप यूज कर रहे हैं ब्रिंग डिवाइन चाइल्ड तो आपके माइंड में वो चीज फ्लैश करनी चाहिए इनके साथ बोलते हुए कि ये मैं कर रही हूं, तो ये चीज यूनिवर्स मेरे लिए लेके आ रहा है। अगर आप उस वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्पाइट ऑफ वो स्विचवर्ड कितने ही एक्सपीरियंस इंसान ने आपको नहीं दिया है, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। जैसे अक्सर मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज देखे हैं कि जब हम उनको मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं और जब हम उनको काउंट डिवाइन टुगेदर इस तरह के जब हम स्विचवर्ड्स देते हैं और वो चैंटिंग शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो इनिशियल स्टेज पे जब तक वो 28 डेज होते हैं या 10 डेज होते हैं तब तक उनको कभी हल्का सा फीवर आ जाएगा या वो बीमार पड़ जाएंगे, हल्का फुल्का कोल्ड आ जाएगा जिससे उनको परेशानी होगी। वो क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ही वो ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए वो चीज आपके पास नहीं आ रही। तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि हम स्विचवर्ड को कितनी बार चैंट करें और इतनी ही बार चैंट क्यों करें। देखिए, स्विचवर्ड जो चैंट्स होते हैं वो होते हैं 10, 28, 18, 108, इस तरह का नंबर्स हम डिसाइड करते हैं। क्यों डिसाइड करते हैं? 108 लकी नंबर है क्योंकि हमारे 108 उपनिषद हैं। और जो गायत्री मंत्र भी अगर हम चैंट करते हैं, कोई भी हिंदू मंत्र चैंट करते हैं, 10, 28 इस तरह से करके हम चैंट करते हैं, तो ये कुछ लकी नंबर्स मांगे जाते हैं चैंटिंग के लिए, मंत्रा चैंटिंग के लिए। तो हम इसलिए वो स्विचवर्ड्स उतनी बार चैंट करते हैं। आप जब हम स्विचवर्ड्स किसी को देते हैं तो हम क्लाइंट की एनर्जीज जब हम टैरो में देख लेते हैं, उसकी ब्लॉकेजेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डेज एंड चैंटिंग भी बताते हैं। स्टैंडर्ड तरीके जो स्विचवर्ड के दिए गए हैं, क्योंकि कई लोग स्विचवर्ड की क्लासेस व्हाट्सएप पे लेते हैं, तो व्हाट्सएप पे जो क्या होगा, जो बुक में लिखा है, जो नेट पे लिखा है, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वही आपको दिया जाएगा। वो आप स्टैंडर्ड तरीके से फिर आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कितने दिन आपको चैंट करना है और क्या वर्ड एग्जैक्टली आपको चैंट करना है। तो सबसे पहले स्विचवर्ड अगर आप कोई चैंट कर रहे हैं, राइट वर्ड होना चाहिए, खास करके जब आप नंबर स्विचवर्ड यूज कर रहे हैं तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि बने बनाए नंबर्स आप एज इट इज यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो नंबर हो सकता है किसी के लिए लकी हो मगर आपके लिए लकी ना हो। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी किसी समस्या के लिए स्विचवर्ड, तो आप मुझसे स्विचवर्ड कंसल्टेशन अलग से होती है टैरो रीडिंग के अलावा, वो मुझसे बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं स्विचवर्ड सीखना तो हमारी जस्ट 1 and 2 days की ऑनलाइन क्लास भी होती है, पर्सनल क्लासेस भी होती है, तो आप वो स्विचवर्ड क्लासेस मुझसे बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपको मुझे कहाँ करना है, 8826826749 और divinecenter.in मेरी वेबसाइट है, वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।